और अब खबरें विस्तार से। दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है डिसकनेक्शन। हम सोचते हैं कुछ और करते कुछ और हैं। ये बात गांधीवाद और युवा विषय पर आयोजित परिचर्चा में प्रख्यात गांधीवादी विचारक और एकता परिषद के संस्थापक पीवी राजगोपाल ने कही। महादेव समर्पण सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। हमारी शिक्षा पद्धति वहाँ असफल हो जाती है जहाँ हम दिमाग से सोचना तो शुरू करते हैं लेकिन दिल से करते नहीं हैं। दिल और दिमाग के बीच सामंजस्य ना हो तो अध्ययन करने का कोई अर्थ नहीं होता। यह बात प्रख्यात गांधीवादी विचारक और एकता परिषद के संस्थापक पीवी राजगोपाल ने युवाओं के बीच कही। मंगलवार को जीवाईएमसी में आयोजित युवा संवाद में गांधीवाद और युवा विषय पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महादेव समर्पण सेवा संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आज की युवा पीढ़ी को जहां गांधी जी के विचारों का अनुसरण करने का आग्रह किया गया। वक्ताओं ने युवाओं से कहा कि गांधी जी ने युवाओं के बारे में काफी कुछ लिखा है। देश के भविष्य की नींव भी युवाओं के हाथ में होती है, इसलिए जब तक देश का युवा आगे नहीं आएगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। मैं कई बार ये कलेक्टर लोगों को ट्रेनिंग देने जाता हूँ, कलेक्टर बनता है तो उसको ट्रेनिंग देने जाता है, तो मैं पूछता हूँ उससे, तो इतना बड़ा है दिमाग, तो बहुत बड़ा है, इतना इतना बड़ा है दिमाग, और तुम बी ए भी किया, एम ए भी किया, डॉक्टर भी बना फिर आई एस का टेस्ट भी लिखा, पास हो गया, कलेक्टर भी हो गया, तो बड़े लोग आते हैं तो बुला के चाय पिलाता है, बातचीत अच्छा करता है और उनके उनके सब बातों को सुनने के लिए आपके पास समय है, और गहरी बात में आता है तो बाहर खड़ा रहता है, दिन भर खड़ा रहता है, कोई पूछने वाला नहीं, क्यों नहीं लगता कि इसके पास पैसा है, गाड़ी है, ये कभी भी आ सकता है मेरे से मिलने के लिए, वो तो 100 किलोमीटर बस से आए हैं, पैदल आए हैं, उनसे पहले बात कर लो, और तुम बात नहीं कर रहे हो तो फिर वो चपरासी भी उनसे पैसा खा रहा है, फोटोकॉपी वाला भी कह रहा है, टाइपिंग वाला भी कह रहा है, दिल भर घुमा रहा है उसको, तो ये जो दिल को छूना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में, ऐसा क्यों हो रहा है। तभी कुछ दिन पहले हमारे एक बहुत इंटरेस्टिंग मित्र जो कपूर साहब आए, कपूर साहब कहाँ है, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के यूनिवर्सिटी में वो भारत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, इंडियन स्टडीज जो होता है भारत के बारे में जो स्टडीज है उसका हेड है कपूर, पेंसिल्वेनिया के यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टडीज का हेड। वो भारत में आकर क्या कह के गए, वो हिंदू न्यूज़पेपर में उनका इंटरव्यू आया, वो क्या कहा, तुम लोग कभी भी गरीबों को न्याय नहीं दे सकते, भारत देश कभी भी गरीबों को न्याय नहीं दे सकते, ऐसा कहा। तो पत्रकार उनसे पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो, हमारे देश में तो सब व्यवस्था है गरीबों को न्याय दिलाने का, तो कपूर क्या कहा वो समझने लायक। कार्यक्रम के दौरान SKS न्यूज के सह संपादक गोपाल गुप्ता ने भी अपने विचार व्यक्त किए और युवाओं से आह्वान किया कि इस वर्ष गांधी जी की 150वीं जयंती विश्व भर में मनाई जा रही है, आज हम सभी को उनके विचारों का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे गांधी जी को देखने का अवसर तो नहीं मिला, पर यह सौभाग्य जरूर मिला कि पीवी राजगोपाल जी को सुनने और समझने के साथ साथ उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में महादेव समर्पण सेवा संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा पीवी राजगोपाल, एकता परिषद के अध्यक्ष रण सिंह, जर्मनी से आए विचारक जूलियस श्रीपति जिल सहित कई युवाओं का शॉल श्रीफल प्रदान कर सम्मान किया गया। गांधीवादी विचारक पीवी गोपाल ने SKS न्यूज के सह संपादक गोपाल गुप्ता को शॉल पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर संस्थान के अमित द्विवेदी, सामाजिक कार्यकर्ता हरिमोहन भसनेरिया और अंकिता द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम का कुशल संचालन अनामिका द्वारा किया गया। कहां कौन मंजिल नगर जानती है, कहां नील कम है लहर जानती है, है कहां मोती और कहां सीपियां हैं, तकों से न पूछो भंवर जानती है। शायद ईश्वर ने मुझे वो सौभाग्य तो नहीं दिया कि मैं उस काल में पैदा होता कि मैं कह सकता कि मैंने गांधी को देखा है,
लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि मेरे ऊपर ईश्वर की विशेष अनुकंपा रही है कि मैं उस काल में पैदा हुआ कि मैंने राजा जी को न सिर्फ देखा न सिर्फ सुना बल्कि उनका सानिध्य भी मुझे प्राप्त हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि आज जो विषय दिया गया है गांधीवाद और युवा, ऐसा विषय है जिसमें लोगों की रुचि कम है और मुझे स्वीकार करने कोई दिक्कत नहीं है कि इस विषय में लोगों की रुचि कम है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा विषय है जो तमाम तरह की समस्याओं से हमें निजात दिला सकता है। आज ये कार्यक्रम युवाओं के लिए था, लेकिन राजा जी मैं अपनी 9 साल की बेटी को यहाँ पर लेकर आया हूँ, क्योंकि अगर ये बच्चे अभी से नहीं समझेंगे कि गांधी क्या था तो शायद ये अपनी जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। नोबेल शांति पुरस्कार सबने नाम सुना होगा, गांधी जी का नाम 3 बार नामांकित किया गया नोबेल शांति पुरस्कार के लिए, लेकिन जिस समय उनको ये पुरस्कार देना तय हुआ सन 1948 में, उसी समय गांधी जी का दुखद निधन हुआ और मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया जाता। तो गांधी जी को नोबेल शांति पुरस्कार तो नहीं मिला, लेकिन गांधी जी उस पुरस्कार से कहीं ऊपर बहुत ऊपर पूरे विश्व में शांति का जो संदेश लेकर गए वो संदेश आज पूरे विश्व में गूंज रहा है। अंत में मैं सिर्फ दो पंक्तियां कहना चाहूंगा, राजा जी बुंदेलखंड के एक तो बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं हरिबाबू गांधी सरस्वती, उन्होंने एक कविता लिखी थी उसकी दो पंक्तियां हैं बुंदेली में लिखी गई हैं, यहाँ पर लोगों को समझ में आएगी। गांधी जी के लिए उन्होंने लिखा था कि लकड़ी एक लपेटी तंत्र है, लकड़ी माने लाठी लपेटी माने धोती, लकड़ी एक लपेटी तंत्र जीवन गारो को और बाढ़ उभराने कैसे कैसे देश उभारो। क्रम का उद्देश्य आज के युवाओं को गांधीवाद के ऊपर चर्चा करने को लेकर एक कार्यक्रम रखा गया था, हम लोगों का ये प्रयत्न था, महादेव समर्पण सेवा संस्थान की कोशिश थी कि आज के युवाओं को गांधी जी के बारे में थोड़ा सा अवगत कराएं। उनके ऊपर संवाद के लिए हम लोगों ने सम्मानी श्री राजगोपाल पीवी जी को आमंत्रित किया था, तो उनके साथ ये कार्यक्रम हुआ।